गुड डे टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर वीक में आप कुछ नया सीखते हैं और उसके नेक्स्ट क्लास में आप उस क्लास का रिवीजन करते हैं। इसलिए आज की क्लास में आप सभी पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे और अगर समय मिला तो पैराग्राफ के बाकी बचे ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग से क्या होता है? डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग एक ऐसा ऑप्शन होता है जिसके द्वारा आप किसी भी लाइन या पैराग्राफ पर किए गए फॉर्मेटिंग को हटा के उसको पहले जैसा कर सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कैरेक्टर सब मेनू का उपयोग क्यों करते हैं? कैरेक्टर सब मेनू से आप अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ में अलग-अलग प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग बदलना, टेक्स्ट की साइज को कम अथवा ज्यादा करना, सभी लेटर्स को कैपिटल में करना, सभी लेटर्स को स्मॉल में करना, टेक्स्ट या पैराग्राफ को ब्लिंक कराना, टेक्स्ट या पैराग्राफ को हाइड करना, ओवरलाइनिंग और अंडरलाइनिंग इत्यादि करना। अब आप सभी अपने कंप्यूटर को ऑन करें और राइटर की फाइल को ओपन करें। आज की कक्षा में आप सभी फॉर्मेट मेनू के कुछ ऑप्शन जैसे कि डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं और पैराग्राफ के कुछ ऑप्शन जैसे कि इंडेंट और स्पेसिंग क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होती है, ड्रॉप कैप्स क्या होता है और बॉर्डर का उपयोग कैसे करते हैं यह सीखेंगे। अब आप सामने दिए गए पैराग्राफ को टाइप करें। क्या आपने पैराग्राफ को टाइप कर लिया है? आप सभी पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करें और फिर उसका राइटिंग बदल कर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि हम अपने पैराग्राफ के राइटिंग को कैसे चेंज करते हैं। पैराग्राफ की राइटिंग को चेंज करने के लिए सबसे पहले आप अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करें। जैसे कि आप सभी को सेलेक्ट करने के अलग अलग प्रकार की विधि बताए गए हैं, उनमें से किसी एक विधि के द्वारा आप अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट करें और उसके बाद जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं और फिर फॉर्मेट पर क्लिक करें। उसके बाद कैरेक्टर लिखे हुए ऑप्शन पर पॉइंटर को लेकर आएं, फिर उसके बाद फॉन्ट लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद फॉन्ट के नीचे वाले यहाँ पे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है अपने पॉइंटर को लाएं, अब इसे ड्रैग करके नीचे की तरफ लेके आएं। यहाँ पे बहुत सारे राइटिंग के ऑप्शन हैं जिसे आप चेंज कर सकते हैं अपने पैराग्राफ की राइटिंग को। ऐसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो और भी बहुत सारे आएंगे। अगर नीचे की तरफ लाने से पसंद नहीं आ रहा है आप ऊपर की तरफ लेके जाएं पॉइंटर को जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद इसमें से कोई सा भी एक राइटिंग अपना सेलेक्ट करें जो आपको अच्छा लगे। और फिर ओके कर दें जिससे कि आपका यह राइटिंग चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने राइटिंग को चेंज कर सकते हैं। अब आप पहली लाइन को सेलेक्ट करें और उसके राइटिंग का साइज बढ़ा के दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि टेक्स्ट या पैराग्राफ के लाइन का साइज कैसे बड़ा करते हैं। आप सभी अपने लाइन को सेलेक्ट करें जिसके साइज को बड़ा करना है जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेलेक्ट करने के बाद आप सभी अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, क्लिक करें यहाँ पे। उसके बाद कैरेक्टर लिखे हुए ऑप्शन पे पॉइंटर को लेकर आए, फिर क्लिक करें यहाँ पे। उसके बाद फॉन्ट लिखे हुए ऑप्शन पे क्लिक करें।
इस बॉक्स के अंदर साइज लिखे हुए ऑप्शन के नीचे यहाँ पे पॉइंटर को लेकर आएं और उसे ड्रैग करें नीचे की तरफ, जिससे कि राइटिंग के साइज बढ़ते हुए क्रम में आ जाएगा, जैसे यहाँ पे आप उसे देख सकते हैं, और ओके कर दें। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ के लाइन के साइज को बढ़ा सकते हैं। अब आप दूसरी लाइन को सेलेक्ट करें और इसके टेक्स्ट का कलर बदल कर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि टेक्स्ट के कलर को कैसे चेंज करते हैं। आप सभी अपने दूसरे लाइन को सेलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट मेनू बार के ऑप्शन पर लेकर आए, यहाँ पर क्लिक करें। उसके बाद कैरेक्टर लिखे हुए ऑप्शन पे पॉइंटर को ले जाएं, क्लिक करें। फिर अब अपने पॉइंटर को इस बॉक्स के अंदर फॉन्ट इफेक्ट पे लेकर आए, क्लिक करें। उसके बाद फॉन्ट कलर लिखे हुए ऑप्शन के नीचे यहाँ पे पॉइंटर को रखें और यहाँ पे लेफ्ट बटन को क्लिक करें। उसके बाद इसे ड्रैग करके ऐसे नीचे की तरफ देखें, यहाँ पे बहुत सारे कलर अवेलेबल हैं या मौजूद हैं, इनमें से कोई भी एक कलर सेलेक्ट करें जो आपको अच्छा लगे। जैसे ही आप कलर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपने पॉइंटर को लेकर आएं और ओके कर दें। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। अब आप तीसरी लाइन को सेलेक्ट करें और फिर उस लाइन को ब्लिंक करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब सीखते हैं कि अगले लाइन को ब्लिंक कैसे कराएंगे। आप सभी अगले लाइन को सेलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आएं, फिर कैरेक्टर लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फॉन्ट इफेक्ट के अंदर ही ब्लिंकिंग आता है। अब यहाँ पे ब्लिंकिंग लिखे हुए ऑप्शन के आगे क्लिक कर दें, जिससे कि सही का निशान आ जाएगा। उसके बाद ओके कर दें, जिससे कि आपका यह लाइन जो आपने सेलेक्ट किया है ब्लिंक होने लगेगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप अपने टेक्स्ट लाइन या पैराग्राफ को ब्लिंकिंग करा सकते हैं या ब्लिंक करा सकते हैं। अब आप बाकी बची लाइन को स्मॉल कैपिटल करके दिखाएं। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए अब सीखते हैं कि बाकी लाइन को कैसे स्मॉल कैपिटल करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आप अपने लाइन को सेलेक्ट करें, उसके बाद पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पे लेकर आए, कैरेक्टर पर क्लिक करें। उसके बाद इफेक्ट्स पर क्लिक करें यहाँ पे। उसके बाद एक बॉक्स ओपन होगा, इस बॉक्स के अंदर आपको स्मॉल कैपिटल्स लिखे हुए ऑप्शन पे क्लिक करना है, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आप अपने लाइन, पैराग्राफ या टेक्स्ट को स्मॉल कैपिटल कर सकते हैं। आइए अब पैराग्राफ के कुछ ऑप्शन के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं पैराग्राफ सब मेनू ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं? पैराग्राफ सब पैराग्राफ के मार्जिन को सेट करने में आपकी मदद करता है, जैसे कि आपको टाइप करने से पहले कितनी जगह देनी है, लिखने के बाद में कितनी जगह छोड़नी है, और भी बहुत से ऑप्शन होते हैं जो आपके पैराग्राफ के मार्जिन को सेट करने में मदद करते हैं। अब आप पैराग्राफ सब मेनू के इंडेंट और स्पेसिंग के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं इंडेंट और स्पेसिंग का उपयोग क्यों करते हैं? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, इंडेंट और स्पेसिंग की मदद से लाइन अथवा पैराग्राफ के बीच में स्पेस दे सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर इंडेंट और स्पेसिंग का उपयोग करना सीखते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं
इंडेंट और स्पेसिंग का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इंडेंट और स्पेसिंग का उपयोग हम अपने पैराग्राफ या लाइन के बीच में स्पेस देने के लिए करते हैं। आप सभी अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद पैराग्राफ पर क्लिक करें, उसके बाद इंडेंट और स्पेसिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे तीन अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, इंडेंट, स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग। इन तीनों का उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। सबसे पहले हम इंडेंट के बारे में सीखेंगे। इंडेंट के अंदर दो ऑप्शन दिए गए हैं, बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट। बिफोर टेक्स्ट का मतलब होता है कि टाइप करने, कोई भी टेक्स्ट टाइप करने से पहले अगर इस ऊपर वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पैराग्राफ जो होगा आगे की तरफ हो जाएगा, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे ऐसे, उसके बाद जितना आपको इसको बड़ा करना है, बढ़ाना है आगे की तरफ, आप ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बढ़ा सकते हैं और उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें। तो अब देखिए, राइटर के सीट पर जो हमने टाइप किया है पैराग्राफ, वह आगे की तरफ हो गया। तो जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे वह यहाँ से टाइप शुरू होना होगा। तो यह होता है आपका बिफोर टेक्स्ट। अगर इसको फिर नॉर्मल व्यू में करना है जैसे पहले था, तो फिर आप अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे ऑप्शन पे लेकर आए, पैराग्राफ पर क्लिक करें, उसके बाद बिफोर टेक्स्ट के ऑप्शन पे यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक करें ऐसे, और इसको 0 सेंटीमीटर या 0 पे कर दें और फिर ओके कर दें। तो यह आपका पहले की तरह हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। तो इस तरह से आप बिफोर टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब सीखते हैं आफ्टर टेक्स्ट का उपयोग कैसे करते हैं। फॉर्मेट पे जाएं, क्लिक करें, पैराग्राफ पे क्लिक करें, इंडेंट और स्पेसिंग ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद आफ्टर टेक्स्ट पे क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आफ्टर टेक्स्ट का मतलब होता है टाइप करने के बाद, और फिर ओके पे क्लिक कर दे साइज बढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे देखें ऐसे, इधर के साइड से आपका लाइन जो है कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप आफ्टर टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं। इसे ठीक करने के लिए दोबारा से आपको कैरेक्टर पे जाना होगा, जो कि फॉर्मेट मेनू बार के ऑप्शन के अंदर होता है, क्लिक करना है वहाँ पे इस बॉक्स के अंदर। अब फिर इसको आफ्टर टेक्स्ट के सामने 0 करना है और ओके करना है, तो यह पहले व्यू की तरह हो जाएगा। तो इस तरह से आप बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट का उपयोग कर सकते हैं इंडेंट के ऑप्शन के अंदर। अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, क्लिक करें, पैराग्राफ पर क्लिक करें। अब आप स्पेसिंग के बारे में सीखेंगे। स्पेसिंग के अंदर दो ऑप्शन होता है, अबव पैराग्राफ और बिलो पैराग्राफ। अबव का मतलब होता है ऊपर और बिलो का मतलब होता है नीचे। तो सबसे पहले आप अबव पैराग्राफ के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आपने बिफोर टेक्स्ट और आफ्टर टेक्स्ट के बारे में सीखा था, तो वह पेज के राइट और लेफ्ट में हुआ। अब यह अबव पैराग्राफ, अब पैराग्राफ के ऊपर आप स्पेस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा वीडियो में, आप क्लिक करेंगे तो पैराग्राफ के ऊपर आपका स्पेस होगा। अगर इसे कम करेंगे तो यह पहले की तरह नॉर्मल व्यू में आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। ठीक करने के लिए इसे फिर 0-0 पे करना होगा। अगर आप बिलो पैराग्राफ पे क्लिक करते हैं तो इससे आपके पैराग्राफ के नीचे जहां आपका पेज खत्म होता है वहां से यह बीच में स्पेस करेगा, स्पेस देगा। अगर आप बढ़ाएंगे तो नीचे के साइज से पैराग्राफ के नीचे बढ़ता जाएगा। अगर इसे नॉर्मल कम करना है तो फिर आप इसे 0 पे कर दें, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर आपको ओके करना होता है। तो इस तरह से आप स्पेसिंग के अंदर अबव पैराग्राफ और बिलो पैराग्राफ का उपयोग कर सकते हैं।
अब आप लाइन स्पेसिंग के बारे में सीखेंगे। लाइन स्पेसिंग से आप अपने पैराग्राफ के लाइन जो हैं उनके बीच में स्पेस दे सकते हैं। आइए देखते हैं कि लाइन स्पेसिंग क्या होता है। इसके अंदर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन हैं स्पेसिंग के लिए। अगर आप 1.5 लाइन लेना चाहते हैं तो 1.5 सेलेक्ट करें। अगर सिंगल या डबल करना चाहते हैं तो उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करें और फिर ओके कर दें। अब देखिए आपके पैराग्राफ के लाइन के बीच में गैप बढ़ गया है, स्पेस बढ़ गया है। तो यह होता है आपका लाइन स्पेसिंग। अगर इसे ठीक करना है तो दोबारा से आप पैराग्राफ पे जाएं, जो कि फॉर्मेट मेनू बार के अंदर है, और फिर सिंगल को सेलेक्ट करें लाइन स्पेसिंग के अंदर जाके और ओके कर दें। तो यह आपके लाइन के बीच का स्पेस कम हो जाएगा या यह पहले की तरह आ जाएगा। तो इस तरह से आप इंडेंट और स्पेसिंग का उपयोग कर सकते हैं। अब आप पैराग्राफ सब मेनू के अलाइनमेंट ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं अलाइनमेंट का उपयोग क्यों करते हैं? अलाइनमेंट का उपयोग आप अपने टेक्स्ट को सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई करने के लिए करते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से अलाइनमेंट करना सीखते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि अलाइनमेंट का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अलाइनमेंट से आप अपने पेज को सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई में कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, क्लिक करें यहाँ पे, उसके बाद पैराग्राफ पर क्लिक करें। अब इस बॉक्स के अंदर आपको अलाइनमेंट लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करना है या टैब पर। इसके अंदर आपको लेफ्ट अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है, जो कि हम टाइपिंग करते हैं तो लेफ्ट अलाइनमेंट से ही शुरू होता है, लेफ्ट से ही शुरू होता है। अगर आपको राइट में करना है अपने पैराग्राफ को तो राइट को सेलेक्ट करें या यहाँ पे क्लिक करें, जिससे कि आपका पैराग्राफ या लाइन जो भी है राइट में चला जाएगा, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है वीडियो में। अगर आपको सेंटर में करना है तो सेंटर पे क्लिक करें, जिससे कि आपका पैराग्राफ सेंटर में आ जाएगा, यानी कि बीच में आ जाएगा। अगर जस्टिफाई करना है तो जस्टिफाई पे क्लिक करें, जिससे कि आपके सारे लाइन एक बराबर में हो जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन लेना है सेंटर का, तो आप सेंटर को सेलेक्ट करें और फिर ओके पर क्लिक कर दें, जैसे कि आपका पैराग्राफ लाइन या टेक्स्ट जो भी है वह सेंटर में आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अगर इसे ठीक करना है तो दोबारा से फॉर्मेट पे जाएं, क्लिक करें, पैराग्राफ पर क्लिक करें और फिर लेफ्ट अलाइनमेंट को सेलेक्ट करें और ओके कर दें। तो इस तरह से आप अलाइनमेंट का उपयोग कर सकते हैं। अब आप पैराग्राफ सब मेनू के ड्रॉप कैप्स के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि ड्रॉप कैप्स का उपयोग क्यों करते हैं? ड्रॉप कैप्स एक प्रकार की फॉन्ट की स्टाइल है, जिसे आप अपने पैराग्राफ के पहले लेटर या पैराग्राफ के पहले वर्ड को आप डार्क और बड़े साइज में कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी ने इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखा होगा, उसमें जो पहला लेटर होता है वह बाकी लेटर से डार्क और साइज बड़ा होता है। इसके लिए आप ड्रॉप कैप्स का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि ड्रॉप कैप्स का उपयोग कैसे करते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि ड्रॉप कैप्स ऑप्शन का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, क्लिक करें, पैराग्राफ पर क्लिक करें, उसके बाद ड्रॉप कैप्स लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ पे देख रहे होंगे कि आपका एक ऑप्शन के अलावा कोई भी ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। जैसे आप अपने पॉइंटर को डिस्प्ले ड्रॉप कैप्स पर लेकर आएंगे और क्लिक करेंगे तो बाकी के सारे ऑप्शन शो होने लगेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, लाइन, स्पेस टू टेक्स्ट। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स में आप कैरेक्टर को दे सकते हैं कि कितने वर्ड को आपको ड्रॉप कैप्स करना है। लाइंस के अंदर आप लाइन को दे सकते हैं कि जो आपका ड्रॉप कैप्स के अंदर वर्ड है
वह कितने लाइन को कवर करना चाहिए। स्पेस टू टेक्स्ट के अंदर आपका जो ड्रॉप कैप्स का वर्ड है या जो कैरेक्टर है उसके और आगे के वर्ड में कितना स्पेस देना चाहते हैं उसे दे सकते हैं। आइए नंबर ऑफ कैरेक्टर के बारे में सीखते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं इसको आप वर्ड के लिए यूज करते हैं और दूसरा होता है लाइन्स। आप इसके ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जितना लाइन बढ़ाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है या आपके लाइन को कवर करेगा, आपके पैराग्राफ के जो भी लाइन है उनको कवर करेगा ये। उसके बाद स्पेस टू टेक्स्ट पर अगर बढ़ाएंगे तो आपके ड्रॉप कैप्स के लिए वर्ड है या जो कैरेक्टर है उसके और आगे के लाइंस जो है उनके बीच के स्पेस को बढ़ाएगा। अगर आप इसे चाहें तो कम भी कर सकते हैं। टेक्स्ट के द्वारा आप अपने टेक्स्ट को देख सकते हैं कि कौन सा टेक्स्ट आपने लिया है ड्रॉप कैप्स के लिए। उसके बाद कैरेक्टर स्टाइल से आप अपने जो ड्रॉप कैप्स के लिए कैरेक्टर या वर्ड लिया है उसके राइटिंग के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद जो भी आपको इसमें से अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करें और फिर ओके कर दें। तो इस तरह से आप ड्रॉप कैप्स कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है कि ये ज़्यादा बड़ा हो गया, ये कम हो गया, तो आप दोबारा से फॉर्मेट पे जाएं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, फिर क्लिक करें, उसके बाद पैराग्राफ पर क्लिक करें। अब आप लाइंस को कम करें, मान लीजिए आपको 2 लाइन रखना है या 3 लाइन रखना है तो आप उतने लाइन को देंगे। यहाँ से आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं और फिर स्पेस टेक्स्ट के बीच का जो स्पेस है उसे कम करें जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद कैरेक्टर स्टाइल को नन करें और फिर ओके कर दें। तो अब देखें आपके जो नंबर ऑफ लाइन है वो 3 लाइन को कवर किया हुआ है क्योंकि हमने वहाँ पे नंबर ऑफ लाइन 3 दिया था। अगर इससे भी आपको कम करना है तो आप सभी फिर से फॉर्मेट पर जाएंगे, पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे, लाइंस को कम करेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप अपने पॉइंटर को इस लाइन के बीच में रखें, क्लिक करें और फिर कीबोर्ड में नंबर की को प्रेस करें 1, उसके बाद आप ओके कर दें। तो अब देखिए आपका जो टी है 1 लाइन को कवर करेगा। अगर इसको पूरा हटाना है तो दोबारा से फॉर्मेट पर जाएं, पैराग्राफ पर क्लिक करें, उस पर क्लिक करें, डिस्प्ले ड्रॉप कैप्स पर और फिर ओके पर क्लिक कर दें जिससे कि आपका यह टेक्स्ट या पैराग्राफ जो है नॉर्मल व्यू में हो जाएगा। तो इस तरह से आप ड्रॉप कैप्स का उपयोग कर सकते हैं। अब आप पैराग्राफ सब मेनू के बॉर्डर ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। क्या आप बता सकते हैं कि बॉर्डर का उपयोग क्यों करते हैं? बॉर्डर के उपयोग से आप अपने टेक्स्ट या पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर यानी लाइन ला सकते हैं। इससे आपकी टेक्स्ट या पैराग्राफ लाइन के अंदर आ जाएगा और फिर आप उस बॉर्डर के बाहर टाइप नहीं कर सकते हैं। आप चाहें तो बॉर्डर की लाइन के साइज और उसके कलर को बदल भी सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर बॉर्डर का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि बॉर्डर का उपयोग कैसे करते हैं। बॉर्डर के लिए आप सभी अपने पॉइंटर को फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, यहाँ पे क्लिक करें, उसके बाद पैराग्राफ पर क्लिक करें जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आप बॉर्डर लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें जिससे कि बॉर्डर के सारे ऑप्शन ओपन होंगे। इसके अंदर आप सबसे पहले लाइन अरेंजमेंट के बारे में सीखेंगे। लाइन अरेंजमेंट से आप अपने पैराग्राफ या लाइन के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है सेट ऑल 4 बॉर्डर्स जिससे कि आपके पैराग्राफ के चारों तरफ लाइन आ जाएंगी या बॉर्डर हो जाएंगी। दूसरा है लेफ्ट और राइट बॉर्डर जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इससे आप अपने पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट में लाइन को लगा सकते हैं यानी कि बॉर्डर सेट कर सकते हैं। दूसरा है टॉप और बॉटम बॉर्डर जिससे कि आप अपने पैराग्राफ के टॉप और बॉटम में पैराग्राफ को सेट कर सकते हैं।
लेफ्ट बॉर्डर, जिसे कि आप अपने पैराग्राफ के लेफ्ट में ही बॉर्डर लगा सकते हैं। अब इनमें से जो भी आपको मान लीजिए चाहिए, मान लीजिए आपको चारों तरफ बॉर्डर चाहिए, तो आप सेट ऑल फोर बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, जिससे कि आपके पैराग्राफ पे चारों तरफ ऐसे लाइन आ जाएगी, यानी कि बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद अब चाहते हैं कि जो आपने बॉर्डर लगाया है उसके लाइन का स्टाइल चेंज हो जाए, अलग अलग प्रकार की लाइन हो, जैसे कि मोटी लाइन, पतली लाइन या और भी अलग अलग, तो आप लाइन स्टाइल के अंदर यहाँ से ड्रैग करके इसे नीचे लेके आ सकते हैं और इनमें से जो भी आपको लाइन स्टाइल अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर लें। जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद अब चाहे तो आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, जो आपने बॉर्डर लगाया है, जो लाइन है उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ नीचे से कलर लिखे हुए ऑप्शन के नीचे यहाँ पे पॉइंटर लिखे हैं, क्लिक करें, जैसे कि एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर बहुत सारे कलर हैं, अब इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसे सेलेक्ट करें और फिर आप उस कलर को सेलेक्ट करके ओके कर दें, जिससे कि या ओके वाले बटन पे क्लिक कर दें, जिससे कि आपके पैराग्राफ पर बॉर्डर सेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप बॉर्डर को लगा सकते हैं अपने पैराग्राफ में। ये अब वीडियो को देखकर सीखते हैं कि स्पेसिंग टू कंटेंट्स का उपयोग कैसे करते हैं। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को फॉर्मेट पे लेकर आए, पैराग्राफ पर क्लिक करें, जिससे कि बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर आपको बॉर्डर पे क्लिक करना है, उसके बाद अपने पॉइंटर को स्पेसिंग टू कंटेंट्स वाले ऑप्शन के नीचे लेके आना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसमें चार प्रकार के ऑप्शन दिए गए हैं, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। इससे आप अपने जो बॉर्डर दिया है उसके अंदर जो आपने टाइप किया है उनके चारों तरफ के स्पेस को कम कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको लेफ्ट में स्पेस देना है तो ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके स्पेस को बढ़ा सकते हैं और फिर ओके पर क्लिक कर दें, जिससे कि अब देखें यह अपने आपकी जो पैराग्राफ है बॉर्डर के थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है, यानी कि आ गई है। अगर इसे ठीक करना है या चेंज करना है तो दोबारा से फॉर्मेट पे जाएं, पैराग्राफ पर क्लिक करें, जैसे कि बॉक्स ओपन होगा, बॉर्डर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट है, उसके बाद आप इसे राइट का चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, वैसे ही टॉप में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो बॉटम में भी कर सकते हैं, बढ़ाना हो या घटाना हो जैसे। अब आइए सीखते हैं कि सिंक्रोनाइज ऑप्शन से क्या होता है। अगर यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे या सही का निशान बना हुआ है और फिर आप स्पेस टू कंटेंट्स का कोई भी ऑप्शन उपयोग करें, चाहे लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, कोई सा भी, किसी पे भी क्लिक करें, तो सब एक साथ ही उसके साइज बढ़ेंगे या कम होंगे। तो सिंक्रोनाइज ऑप्शन का उपयोग इसलिए करते हैं और फिर आपको ओके करना होता है। जैसे कि अभी आपने वीडियो में देखा, सिंक्रोनाइज पे क्लिक करने के बाद हमने लेफ्ट में भी 8 सेंटीमीटर दिया 0.8 और राइट में भी 0.8, टॉप में भी 0.8 और बॉटम में भी 0.8। तो इस तरह से आप स्पेसिंग टू कंटेंट्स का उपयोग कर सकते हैं। आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं कि शैडो का उपयोग कैसे करते हैं और इससे क्या होता है। इसके लिए आप सभी अपने पॉइंटर को मेनू बार के फॉर्मेट लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर आए, जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है, यहाँ पर क्लिक करें, उसके बाद पैराग्राफ लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर आप शैडो स्टाइल जो कि यहाँ पे है, इसके अंदर तीन ऑप्शन है, पोजीशन, डिस्टेंस और कलर, अभी कोई सेलेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे हम पोजीशन में से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, पहला बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है जो नो शैडो के नाम से होता है, और बाकी में से चार में से एक किसी को सेलेक्ट करेंगे तो आपका डिस्टेंस और कलर वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। पहला है आपका, जैसे पॉइंटर रख के दिखाया जा रहा है,
पहला है कास्ट शैडो टू बॉटम राइट, जिससे कि आप अपने शैडो को राइट में ला सकते हैं। पैराग्राफ के ऊपर दाहिने वाले हिस्से में, और दूसरा ऑप्शन कास्ट शैडो टू टॉप राइट, जिससे कि आप अपने शैडो को ऊपर वाले हिस्से में राइट में कर सकते हैं। तीसरा नंबर है कास्ट शैडो टू बॉटम लेफ्ट, जिससे कि आप अपने शैडो को नीचे वाले हिस्से में लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। उसके बाद अगला है कास्ट शैडो टू टॉप लेफ्ट, जिसे कि आप ऊपर लेफ्ट साइड में ला सकते हैं। इनमें से जो भी आपको एक अच्छा लगे शैडो का स्टाइल, उसे सेलेक्ट करें। अब आप डिस्टेंस पे हैं, डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। इससे आप अपने शैडो को कितना दूरी देना चाहते हैं या कितने दूर रखना चाहते हैं, इसके साइज को बढ़ा सकते हैं यहाँ ऊपर वाले ऑप्शन से, और नीचे वाले से कम कर सकते हैं। अगर आपको बढ़ाना है तो बढ़ा दें ऊपर से। और फिर कलर, अब आप शैडो का कलर कौन सा देना चाहते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, जिससे कि एक बॉक्स ओपन होगा। अब इस बॉक्स के अंदर से कोई भी एक कलर जो कि आप शैडो पे देना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें और फिर ओके कर दें, जिससे कि शैडो आ जाएगा। तो इस तरह से आप शैडो का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है, आप सभी अपने राइटर के फाइल को क्लोज करें और अपने सिस्टम को प्रॉपरली शटडाउन करें। आज की कक्षा में आपने फॉर्मेट मेनू के कुछ ऑप्शन, जैसे कि डिफॉल्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है, कैरेक्टर्स क्या होते हैं, और पैराग्राफ के कुछ ऑप्शन जैसे कि इंडेंट और स्पेसिंग क्या होता है, अलाइनमेंट क्या होती है, ड्रॉप कैप्स क्या होता है, और बॉर्डर का उपयोग कैसे करते हैं, यह सीखा।